हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं एक पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर बनाने वाला हूं। तो इस पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर को बनाने के लिए हमें कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की जरूरत पड़ने वाली है, आइए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमें इस तरह की एक ऑडियो एम्पलीफायर सर्किट बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, जिसका मॉडल नंबर है PAM8403। ये आपको ऑफलाइन मार्केट में इजीली इलेक्ट्रॉनिक की शॉप में अवेलेबल हो जाएगा। ये 35 रुपए का मिलेगा, आप इसे ऑनलाइन मत खरीदेगा, ये ऑनलाइन काफी महंगा आता है। ये लगभग आपको ऑनलाइन 120 रुपए का मिलेगा। उसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी एक ब्लूटूथ ऑडियो रिसीवर की, ये भी मैंने ऑफलाइन मार्केट से ही परचेज किया है, ये आपको 50 रुपए का मिलेगा। उसके बाद आपको इस तरह की 3 इंच की स्पीकर की जरूरत पड़ेगी, ये मेरे पास दो मैंने लिया है ऑफलाइन मार्केट से, 40 रुपए पर पीस का ये मुझे मिला है। उसके बाद इस तरह की एक ऑन ऑफ स्विच की जरूरत पड़ेगी, ये 5 रुपए का मिला है मुझे। उसके बाद इस तरह की एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट की जरूरत पड़ेगी, ये 5 रुपए का मुझे मिला है। उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी एक डायोड की, जिसका मॉडल नंबर है 1N4007, ये 1 रुपए में मिल जाएगा आपको। उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी एक 3.7 वोल्ट की बैटरी की, ये मोबाइल की पुरानी मोबाइल की बैटरी है मेरे पास, मैं इसी का ही उपयोग करूंगा। उसके बाद फ्रेंड्स इस तरह की कार्डबोर्ड की डब्बे की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए हम लोग इस ब्लूटूथ स्पीकर को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस कार्डबोर्ड के टुकड़े पर कंपास की सहायता से स्पीकर को लगाने के लिए यहां पे लकीर हम लोग खींच लेंगे। उसके बाद हम लोग कटर की सहायता से इसको कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से कार्डबोर्ड को कट कर लिया है। अब इसके अंदर हम लोग स्पीकर को सेट करेंगे। अब इस स्पीकर को मैं डबल साइडेड टेप की सहायता से इसमें चिपका दूंगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे डबल साइडेड टेप की सहायता से चिपका दिया है इस तरह से। अब फ्रेंड्स मैं इस ऑडियो एम्पलीफायर सर्किट बोर्ड के कनेक्शन करने वाला हूं, तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे यहां माइनस प्लस और यहां प्लस माइनस आपको दिख रहा होगा, ये आपका स्पीकर आउटपुट के लिए कनेक्शन जाएगा। स्पीकर यहां पे हम लोगों को कनेक्ट करना है लेफ्ट राइट चैनल के लिए, ये जो दो पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, और इधर आप देख पा रहे होंगे एक ग्राउंड का है और एक 5 वोल्ट का है। तो यहां पे हमें 5 वोल्ट सप्लाई देनी है, ये ग्राउंड यानी नेगेटिव सप्लाई यहां पे देनी है। और यहां पे आप देख पा रहे होंगे आर लिखा हुआ और बीच में टी लिखा हुआ और फिर एल लिखा हुआ। यहां पे हम लोगों को ऑडियो इनपुट सिग्नल देना होगा यहां पे ब्लूटूथ मॉड्यूल की सहायता से। तो मैं ये सारे कनेक्शन आपको बताने वाला हूं कि कैसे करना है कनेक्शन। तो सबसे पहले मैं स्पीकर के साथ में इस सर्किट बोर्ड को कनेक्ट कर देता हूं। ये दो पॉइंट देख रहे हैं, ये स्पीकर एक चैनल के लिए और फिर इधर जो दो पॉइंट है ये दूसरे चैनल के लिए स्पीकर के साथ में कनेक्ट होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस एम्पलीफायर बोर्ड से इस स्पीकर को कनेक्ट कर दिया है और भी जो सारे वायर्स थे मैंने इस एम्पलीफायर सर्किट बोर्ड के साथ में कनेक्ट कर दिया है। तो आप देख पा रहे होंगे, ये मैं जरा फोकस करके दिखा देता हूं, ये आप देख पा रहे होंगे ये जो वायर कनेक्ट हुआ है, ये स्पीकर का वायर यहां से कनेक्ट हुआ है लेफ्ट और राइट चैनल के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं ब्लैक और रेड वायर, ये 5 वोल्ट पावर सप्लाई देने के लिए इसमें कनेक्ट किया हुआ है मैंने। और ये 3 कलर का वायर देख रहे हैं आप, येल्लो उसके बाद ग्रीन और फिर येल्लो, ये जो 3 वायर देख रहे हैं ये ऑडियो इनपुट सिग्नल देने के लिए इस सर्किट बोर्ड में मैंने वायर को कनेक्ट किया हुआ है। इसको मैं ब्लूटूथ मॉड्यूल के साथ में कनेक्ट करूंगा। दोस्तों अब इस ब्लूटूथ मॉड्यूल में हम लोग ऑडियो एम्पलीफायर को कनेक्ट करेंगे। जो मैंने दिखाया 2 पीले कलर का वायर और 1 ग्रीन कलर का वायर था, वो इस पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं आउट का, ये यहाँ पे 2 पीला वायर कनेक्ट होगा और बीच में जो ग्राउंड आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन वायर को मैं कनेक्ट कर दूंगा उस ऑडियो एम्पलीफायर के साथ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कनेक्शन कर लिया, आप कनेक्शन को दोबारा से एक बार देख सकते हैं। ये जो ऑडियो एम्पलीफायर सर्किट है, यहां से जो लेफ्ट और राइट चैनल के लिए स्पीकर के लिए मैंने वायर कनेक्ट किया हुआ है येलो और ब्लू कलर का दोनों चैनल के लिए। और ये जो 3 कलर का वायर देख रहे हैं आप, एक येलो ग्रीन और फिर येलो, ये जहां से
ऑडियो सिग्नल आउटपुट होगा ब्लूटूथ मॉड्यूल से, ये मैंने कनेक्ट किया हुआ है। देखिए आप, ये लेफ्ट राइट चैनल के लिए, इधर देखिए यहाँ पे आउट लिखा हुआ है जो दो साइड, और एक ग्राउंड लिखा हुआ है, तो ग्राउंड को मैंने माइनस में इस एम्पलीफायर सर्किट के इनपुट पे यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। और ये जो दो आप वायर देख रहे हैं ब्लैक और रेड, ये निकला हुआ है। यहाँ पे हमें 5 वोल्ट पावर सप्लाई देनी होगी इस ब्लूटूथ मॉड्यूल में। और ये जो दो वायर देख रहे हैं आप इधर इस ऑडियो एम्पलीफायर का, तो इसमें भी पावर सप्लाई हमें पॉजिटिव नेगेटिव देनी होगी। तो ये दोनों को हम लोग आपस में ब्लूटूथ मॉड्यूल वाला पावर सप्लाई देने वाला वायर और ऑडियो एम्पलीफायर वाला वायर दोनों आपस में एक साथ हम लोग कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये जो पावर सप्लाई का वायर है दोनों का आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है। फ्रेंड्स, अब हम लोग कार्डबोर्ड में ये स्विच और ये चार्जिंग सॉकेट को लगाने के लिए हम लोग यहाँ पे होल बना लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने चार्जिंग सॉकेट और स्विच को लगा लिया है। अब इसके अंदर की वायरिंग हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जो पॉजिटिव वाला वायर है इस स्विच के साथ में यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे हम लोग यहाँ नीचे में। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस वायर को यहाँ स्विच के साथ में कनेक्ट कर दिया है, और पावर सप्लाई देने के लिए यहाँ पे एक पॉजिटिव वायर को यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया। ये पॉजिटिव वायर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में हमें जोड़ना होगा, और ये जो नेगेटिव जो आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी ये डायरेक्टली बैटरी के साथ में हम लोग कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने बैटरी के साथ इस सर्किट बोर्ड को इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। अब चलिए हम लोग बैटरी के चार्जिंग के लिए हम लोग कनेक्शन कर लेते हैं। दोस्तों, बैटरी चार्जिंग के लिए हमें ये जो आप पॉजिटिव पॉइंट देख रहे हैं टर्मिनल बैटरी का, यहाँ पे हम लोग एक डायोड को कनेक्ट करेंगे। डायोड का व्हाइट वाला जो पार्ट है आप देख पा रहे होंगे, ब्लैक और व्हाइट पार्ट है, तो व्हाइट वाला पार्ट जो है हम लोग इस बैटरी के टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल के साथ में कनेक्ट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने डायोड इस तरह से कनेक्ट कर लिया है, और ये जो आप ब्लैक वाला पार्ट देख रहे हैं तो माइक्रो यूएसबी पोर्ट से जो चार्जिंग के लिए सप्लाई आएगी, तो ये रेड वायर जो देख रहे हैं ये काले वाले पार्ट पे डायोड के जोड़ देंगे, और ये जो काला वाला वायर देख रहे हैं आप चार्जिंग सॉकेट का, ये डायरेक्टली हम लोग नेगेटिव पॉइंट के साथ में बैटरी का कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने कनेक्शन कर दिया है चार्जिंग के लिए। यहाँ पे आप ये नेगेटिव वाला वायर देख रहे हैं चार्जिंग का, ये डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया है, और ये पॉजिटिव वाला जो है माइक्रो यूएसबी पोर्ट का वायर ये डायोड के सहारे कनेक्शन कर दिया है। अब मैं इन तीनों को डबल साइडेड टेप की सहायता से इसके अंदर मैं चिपका देता हूं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने तीनों को डबल साइडेड टेप की सहायता से इसमें चिपका के फिक्स कर दिया, ताकि ये हिले डुले नहीं। अब ये हम लोगों का रिचार्जेबल ब्लूटूथ पोर्टेबल स्पीकर बनकर रेडी है। अब हम लोग इसे टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसमें पावर ऑन कर देता हूं ये स्विच के सहारे। ये ऑन हो चुका है, अब ब्लूटूथ से मैं इसे कनेक्ट करने वाला हूं। ये दोस्तों कनेक्ट हो चुका है। अब मैं एनसीएस का सॉन्ग इसमें प्ले करके आपको दिखाता हूं, सुनाता हूं। तो देखा फ्रेंड्स आपने, इस ब्लूटूथ स्पीकर की साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। ये देखने में सर्किट बोर्ड इसका जरूर ही छोटा है, लेकिन क्लास डी होने के कारण, डिजिटल होने के कारण इसकी जो साउंड क्वालिटी है वो काफी बढ़िया है, बेस भी काफी बढ़िया है, और ये बहुत ही पावर एफिशिएंट है, पावर बहुत ही कम कंज्यूम करता है। और इस मोबाइल की बैटरी से अगर आप बजाते हैं इसको, तो ये कम से कम 5 से 6 घंटे नॉन स्टॉप चल पाएगा।
तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो मिलता हूँ फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।